नमस्कार, हिंदुस्तान लाइव में आपका स्वागत है। मैं चांद मोहम्मद। कोरोना महामारी ने पूरे विश्व में लोगों को परेशान किया है। हिंदुस्तान में भी लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं और लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में कैद हैं, जिसकी वजह से उनको तनाव, अनिद्रा जैसी बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही है। आज इसी विषय को लेकर आपके प्रिय अखबार हिंदुस्तान ने हिंदुस्तान हेल्थ हेल्पलाइन का आयोजन किया और उत्तराखंड के तमाम शहरों और गांवों से लोगों ने फोन किए और अपनी समस्याओं को डॉक्टर जो आज हमारे मेहमान थे, हिमालयन अस्पताल जौली ग्रांट के मनोरोग विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर प्रिय रंजन अविनाश, उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया और उनकी शंकाओं का समाधान किया। हेल्पलाइन में किस तरह के प्रश्न पूछे गए और उनका क्या डॉक्टर साहब ने जवाब दिया और लॉकडाउन में किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, कैसे उनका समाधान करें, इस लाइव वीडियो के जरिए आप पाठकों तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हिंदुस्तान लाइव में आपका बहुत स्वागत है। हाँ, हिंदुस्तान हेल्पलाइन में जैसे हम देख रहे थे कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमें दिन में हम सो जा रहे हैं लेकिन रात को जो कोरोना हो गया है वो हमें बहुत परेशान कर रहा है, तो इसके लिए जरा पाठकों को आप बताएं कि वो इसका समाधान कैसे पाए। जैसे कि मैंने आपको बताया था थोड़ी पहले भी कि कई मरीज क्या हो रहे हैं, जैसे उनके पास लॉकडाउन की वजह से उनकी नौकरियों में या तो वर्क फ्रॉम होम हो गया है या उन्हें काम पे जाना ही नहीं है, तो अक्सर हम इसे छुट्टी के दिन कैसे करते हैं, हम दिन में भी सो जाते हैं, रात में लेट तक जगते हैं, तो इस वजह से लोगों ने अपनी दिनचर्या खुद ही एक तरह से खराब कर ली जी, कि दिन में सोने लगे हैं और रात में नींद नहीं आ रही। दिन में सोने से वाजिब सी बात है कि अगर कोई इंसान दिन में 4-5-6 घंटा सो जाएगा तो रात में उसकी नींद डिस्टर्ब होनी ही है, उठनी ही है, क्योंकि हमारे हम सब की औसत दिन की रिक्वायरमेंट 6-8 घंटे तक, तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी दिनचर्या में बने रहे। लॉकडाउन के बावजूद भी हम अपनी दिनचर्या में बने रहे, उससे मेरा मतलब है कि हमारे सोने, उठने, खाने, पीने, घूमने, काम करने, इन सब का टाइम वही रखें जो लॉकडाउन से पहले था। अगर हम अपनी दिनचर्या को मेंटेन करते हैं तो हमारे ब्रेन में एक जो बॉडी क्लॉक है वो ठीक से सुचारू रूप से काम करेगी और उस वजह से हमारे सोने उठने की टाइम अपने आप सुनिश्चित हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत सारे फोन कॉल्स आए कि मुझे शुगर है, डायबिटीज है, मैं जो है दवाई परामर्श के अनुसार ले रहा हूँ लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कोरोना तो नहीं हो जाएगा, उनके लिए जरा सा। हाँ, एक्चुअली लोगों के अंदर में ये जानकारी कई माध्यम से आ रही है जी। मैंने जो कॉलर्स जिन्होंने ये फोन करके पूछा था उनको भी बताया था कि पहली बात इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो अपनी जानकारी ले रहे हैं इस बीमारी से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ उसको एक विश्वसनीय स्रोत से लें, ये ना कि आप बहुत तरह के सोशल मीडिया के सोर्स पे इतनी सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं और इस बीमारी के बारे में इतनी बढ़ा चढ़ा के बताई जा रही है जिससे कि लोगों में डर का, भय का माहौल बन रहा है। तो जरूर ये देखा गया है कि जिन लोगों को कोई और बड़ी शारीरिक बीमारी है उनमें बीमारी होने की संभावना या बीमारी से उत्पन्न होने वाली संभावना, कॉम्प्लिकेशन की संभावना थोड़ी ज्यादा है, पर इसके बावजूद 1% से भी कम लोगों में ही ये बीमारी गंभीर रूप धारण कर रही है। तो चाहे अगर आपको शुगर है, बीपी है, उसका ठीक से इलाज कराएं, अगर वो कंट्रोल में है, शुगर कंट्रोल में है, बीपी कंट्रोल में है और बाकी बीमारी कंट्रोल में है, तो आपके बीमार होने की और बीमारी से उत्पन्न होने वाले कॉम्प्लिकेशन की संभावना करीब करीब बाकी दूसरे लोगों के बराबर ही है। तो अनायास भय ना माने, बिल्कुल इम्यूनिटी, जिनकी इम्यूनिटी मजबूत है उनको कोरोना जैसा बहुत सारे विशेषज्ञ कह रहे हैं बहुत परेशान नहीं करता है, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम ऐसा क्या करें। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज, कोई दवाई या कोई टीका नहीं बना है जी। तो एकमात्र तरीका इस बीमारी से लड़ने का जो है वो हमारी खुद की बीमारी से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं वही हमारा एकमात्र ढाल है, आप कह सकते हैं।
जी, तो इस ढाल को और मजबूत कैसे बनाया जाए? देखिए, इस ढाल को मजबूत बनाने में तीन चार चीजें इंपॉर्टेंट है। एक हमारा भोजन, हमारे अगर हम पौष्टिक आहार लेंगे तो हमारे भोजन से ही हमारी इम्यूनिटी बनती है जी। तो हमारा पौष्टिक आहार लेना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। दूसरा व्यायाम, एक्सरसाइज हर किसी को एक्सरसाइज करना चाहिए, कम से कम आधा घंटा से लेकर 45 मिनट मिनिमम हो, ज्यादा करे तो और बेहतर है। तो व्यायाम हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है। देखा गया है कि धूप में बैठने से विटामिन डी, आप सबको पता है कि विटामिन डी का एक स्रोत धूप है जी, और वो नेचुरल स्रोत है, हर किसी को मिल रहा है। तो धूप में जरूर आप सुनिश्चित करें कि कम से कम आधा घंटा आप धूप में बिताएं। तीसरी चीज है कि आप अपने दिनचर्या वापस से बताओ, दिनचर्या सोने का टाइम फिक्स करें, उठने का टाइम भी फिक्स हो जाएगा ऑटोमेटिकली। चौथा, परिवार वालों के साथ क्वालिटी वक्त बिताएं। पांचवा, मनोरंजन भी जरूरी है। तो ये चार पांच चीजें अगर हम करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी, योग का बहुत योगदान है, ध्यान का योगदान है, तो ये सब चीजों से अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। लॉकडाउन में जो लोग योगा करते थे या मॉर्निंग वॉक पर जाते थे वो आज घरों में कैद हैं, तो हमारे साथ वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर विथिका सिंह जी हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि घर पर किस तरह की एक्सरसाइज करके इस सारी चीजों को, तनाव जो है, एंग्जायटी है, उससे बचा जा सकता है। जी, अभी बताया डॉक्टर साहब ने बताया कि जो एक्सरसाइज है उसका बहुत जरूरी रोल, इम्पोर्टेंट रोल है जी। तो अगर आप हो सके तो दिन में आधा घंटे से पौना घंटा एक्सरसाइज करिए, जिसमें आप हल्की फुल्की, घर बाहर वॉक नहीं कर सकते हैं तो अपने घर के अंदर जितना हो सके एरिया उसमें वॉक करें जी। जो खड़े खड़े आप जॉगिंग कर सकते हैं, खड़े खड़े अपनी उसी जगह पे रनिंग कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ स्ट्रेचिंग्स होती हैं जो हमारी बॉडी को, मसल्स को रिलैक्स करती हैं। हमारा जो मसल रिलैक्स होगा तो हमारी एंजाइटी भी कम होती है, तो आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। उसके अलावा आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, सांस की एक्सरसाइज, जिससे कि आपकी आपके फेफड़ों में अच्छे से ऑक्सीजन जाए, आपका लंग्स कैपेसिटी अच्छा रहे, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत अपने शरीर को स्ट्रेच, क्योंकि हम घर में काफी टाइम तक बैठे रह रहे हैं तो हमारे बैक पेन हो सकती है, हमारा मोटापा बढ़ सकता है, इसलिए हमको थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हमारे सारे जो शरीर के बाकी सारे ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं, वो सब जो है हेल्दी रहें। तो इसके लिए आप स्ट्रेंथनिंग करें, स्ट्रेचिंग करें, थोड़ा सा योगा करें, और अगर थोड़ा 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 हो सके तो अपने घर पे आप डांस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप अपने घर पे कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मैडम। और हमारे साथ हिमालयन अस्पताल के जो मीडिया सेल के प्रभारी हैं डॉक्टर रोमिल कोटी जी हमारे साथ हैं। तो सर, जैसे लॉकडाउन के दौरान देखा गया कि अस्पतालों में ओपीडी बंद थी, तो इस दौरान जो टेलीमेडिसिन है उसका रूप आप उससे जो है मरीज घर बैठे लाभ उठा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं उसको, कितना कारगर साबित हुआ है? देखिए, मैं आपको अपना एक अनुभव शेयर करूंगा। मार्च 18 के आसपास मैं अपने नेटिव विलेज गया था जो कि द्वारिकल ब्लॉक में है, पौड़ी गढ़वाल में। तो टेलीमेडिसिन एक ऐसी व्यवस्था बेसिकली है जो बहुत लाभकारी सिद्ध हो रही है आजकल के समय में। तो वहाँ पर भी हमने देखा कि हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं इतने कोऑपरेटिव रहे थे, हमने फोन्स के मार्फत जो है, फ़ोन के ज़रिए, और वहाँ पे जो प्राइमरी स्कूल था, हालांकि मेरे व्यवस्था नहीं थी बिल्कुल भी, टेलीमेडिसिन के लिए हमारे को नेट कनेक्शन चाहिए प्राइमरीली, फ़ोन की अच्छी व्यवस्थाएँ चाहिए, पर वो हमने उसको अरेंज कर करके जितने भी हमारे डॉक्टर्स थे, जिसमें कि हमारे न्यूरो सर्जरी थे, हमारे कार्डियोलॉजी थे, साइकेट्री के डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठे हैं अभी, उनका योगदान था उसमें, मेडिसिन था, ये सारा हमने नेटवर्क जो है अरेंज कर करके टेलीमेडिसिन की जो है जितनी भी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स थी, हमने गढ़वाल के जितने भी हमारे दुर्गामी क्षेत्रों के जितने भी लोग थे उनको हमने संपर्क करवाया, जो कि मुझे लगता है बहुत यूजफुल साबित हो रहा है जी। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ हिमालयन अस्पताल के वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियरंजन अविनाश जी, और उनके साथ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मिथिका सिंह जी, और मीडिया सेल के प्रभारी डॉक्टर रोमिल वटकोटी जी। तो डॉक्टर प्रियरंजन का साफ तौर पर कहना था कि लॉकडाउन में जो तनाव, अनिद्रा जैसी चीजें सामने आ रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आपने अपनी दिनचर्या को बिल्कुल बदल दिया है, यानी उसको, उसका जो साइकिल है, जो चेन है, उसको खराब कर लिया है। तो जरूरत है कि अपनी दिनचर्या को बिल्कुल उसी पटरी पर लेकर के आए जो आप लॉकडाउन से पहले करते थे। उनका यह भी कहना था कि जो आपकी इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी को आप मजबूत रखेंगे तो जो कोरोना है वो आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। उसके लिए आप योग कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं,
वहीं अगर आप एक्सरसाइज बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो घर में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। वहीं इसके अलावा उन्होंने यह भी साफ तौर पर कहा कि जो व्हाट्सएप या फेसबुक पर जो आपको कोरोना को लेकर के भ्रामक जानकारियां आप तक पहुंचाई जा रही है उन पर एकदम से विश्वास न करें और विश्वस्त जो माध्यम है उन्हीं पर भरोसा करें। तो हिंदुस्तान लाइव की ओर से भी आप सभी से निवेदन है कि जो कोरोना के बारे में भ्रमित जानकारी आप तक पहुंच रही है उन पर विश्वास एकदम से न करें, किन्हीं विश्वस्त जो है माध्यमों से विश्वास करके ही उन चीजों को अमल में लाएं। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें और कोरोना के बारे में भ्रम न फैलाएं। हिंदुस्तान लाइव के लिए मैं अपने साथी महावीर चौहान और पारस नेगी के साथ चांद मोहम्मद देहरादून।